ढाई साल बीत गए हैं, मैं सरदारी के सामने एक निवेदन करना चाहूंगा। ये घटनाएं जो हो रही है, वीर गति को प्राप्त हो गए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जो बच्चे सुमेद और अभी 15 अगस्त आएंगे एक दिन बाद, इस देश का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ था, लेकिन गांधी ने गलती की, यहाँ लेट गए और मुसलमानों को रखा। रोजी का कांड है, आज 2000 गायें रोज कट जाती है। आज हिंदू यहाँ सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैं सभी सरकारों से निवेदन करना चाहता हूँ, केवल वेद में जालदार साहब चार ही जातियां हैं, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कोई शक्ति जाति नहीं है, हम सब एक हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, हर जाति का महत्व है, हम सबको आज निर्णय लेकर के जाना है कि अंतिम समय तक हमने निर्णय ले रखा है। गोरक्षा दल के बच्चे हैं पूरे हरियाणा के, सभी संगठन है हिंदू, में बजरंग दल के भी है, विश्व हिंदू परिषद के भी, 1000 बच्चों ने संकल्प ले रखा है कि अंतिम समय तक हम मेवात में जब तक गोत्या बंद नहीं हो जाती हम संघर्ष करेंगे। 3 बच्चे हमारे जेल में हैं और हम पर भी मुकदमे लगा रखे राजस्थान पुलिस ने, मुकदमों से निकलना चाहिए। इसलिए आप सबसे निवेदन करते हुए, हम सबको अंतिम समय तक गौ माता के लिए, धरती माता के लिए लड़ना है, यही जो हमारी सच्ची श्रद्धा। जो भाईचारे की बात करते हैं, आप गाय को ही मत काटो, हिंदुओं में भी बहुत से भाईचारे की बात करते हैं, अरे जो समस्या उससे कोई नहीं बोलता, ये समस्या गो हत्या है, और आप सबको ध्यान करना, गौ माता ने ही यहाँ बिठाया है, गाय पुकार रही है, वो तो चुटा तो जाग जाओ, इसलिए आप जाग गए हैं। और मुझे आने वाले समय में जालदार साहब से पूरी उम्मीद है, सभी घाटों के सरदारों के पूरी उम्मीद है, आज सभी यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे, सभी राम भक्त और गो भक्त। अब मेवात में कल भी 2 गाड़ियां पकड़ी है, तस्करों की इतनी पुलिस लगी हुई है, मेवात में इतनी पुलिस लगी हुई है, 36 गायें पकड़ी है बच्चों ने, 36 गाय, अभी भी गायें कट रही है मेवात के अंदर, इतनी पुलिस और मिलिट्री लगने के बाद भी आप भाईचारे की बात करते हो, इसलिए सबको जगना पड़ेगा। आज गाय को काट रहे हैं, कल आपकी बीमारी है, अभी नहीं जगे तो बहुत देर हो जाएगी। इन्हीं बातों के साथ ब्रह्मचर्य से तन में यति शक्ति। हमारे आसपास के गांवों के साथियों का उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, क्योंकि ये इतना बड़ा जिस इंतजार में आप कई घंटे से कई दिनों से हमारे आयोजक मेहनत कर रहे थे, और आप लोग कई घंटे से विचार सुने और ये सोच के कि भाई हम जो जाएंगे यहाँ से वापस, तो कोई निर्णायक निर्णय लेके जाएंगे पंचायत से। अभी 51 लोगों की कमेटी बाहर गई, हमारे बामन पाल के जिलदार जी ने, बामन पाल के पंच हैं, और ये आप सबकी जानकारी में एक बात और बता दूं कि ये बामन पाल की जो हमारी सरदारी है, ये भरतपुर, मथुरा, अलीगढ़ से लेकर के सारे हमारे जिलों में, ये पूरे जिले मिलकर के तभी बामन पाल की सिरदारी बनी है, बुजुर्गों ने बनाई है, आज हम सब और आप उसका अनुमोदन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस पंचायत में से मैं ये निवेदन करूंगा कि जो आपने विश्वास और भरोसे से जो कमेटी भेजी है, जो कमेटी निर्णय लेके आई है, क्या वो आपको मंजूर है? सबसे पहले पंचायत ने फैसला किया कि जो उस 31 के झगड़े में, हिंसा में, वो काहे किसी प्रकार की भी हुई हो, उस दिवंगत आत्माओं को इस महापंचायत की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करती है ये पूरी समाज, उन सभी आत्माओं के लिए। ये पहला हमारा प्रस्ताव पास है। दूसरा, जो इस हिंसा में
चाहे घायल हुए, चाहे आज हमारे बीच में वे साथी नहीं हैं, और पूरे मामले की पूरे, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष। ये मेरा नाम है, पलवल से हूँ, मॉडल की 24 सीट का बहुत छोटे से काम में हूँ। एल्जार जी भी हमारे बड़े काम से मेरे लगते हैं, लेकिन कॉमन पार्टी और भारतीय किसान यूनियन टिकट की पार्टी का उसकी यूनियन का राष्ट्रीय सचिव माई नीचे कर लो यार। नीले से फिर से यात्रा निकालने की बात कही गई है, ये फैसला हुआ है जो हमारे धार्मिक संगठनों के साथी हैं, उन्होंने पंचायत से निवेदन किया कि ये इतनी बड़ी पंचायत हुई है, हमारी यात्रा अधूरी है, कम से कम हमें उस यात्रा पूरी करने का हमें आशीर्वाद मिलना चाहिए पंचायत के द्वारा। पंचायत ने उनके अनुरोध को मान लिया और वो स्वीकार कर लिया। भूमिका वो तैयार करेंगे, पंचायत नहीं करेगा। आप लोग शामिल होंगे यात्रा में? पंचायत इतनी बड़ी है, उस पंचायत में ना कहीं किसी का रोक है, ना किसी को चिट्ठी लिख के भेजा जाएगा। जिसकी आत्मा होंगी ना, वो 28 को जो फैसला, ये कौन धार्मिक स्थल है, एक बार बता दें किस किसने वहीं से शुरू होगी, मंदिर से शुरू होगी, मंदिर से ही शुरू होगी। जांच की बात भी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये पंचायत का सबसे मजबूत जो हमारा पहला निर्णय है वो ये है कि इसकी जांच पूरे मंदिर की, यहाँ से NIA को ट्रांसफर हो, NIA अपनी इसकी जांच करे, और किसी का भी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप है किसी की भी साजिश है सबका पर्दाफाश एनआईए करे, ताकि देश के सामने ये जो इतना बड़ा अत्याचार हुआ है देश के सामने आए। एक बार दूर का दूर का पास का 31 को यात्रा के दौरान वो जुम्मे वो क्या आगे ऐसा नहीं होगा? ये जिम्मेदारी सरकार से प्रश्न पूछे, क्योंकि सरकार का प्रश्न है हमारा। और क्या क्या निर्णय लिए हैं पंचायत, और क्या क्या निर्णय लिए हैं पंचायत? अभी आपके सामने सुनाए ना, देखिए हमने ये भी सुना है कि सबसे पहले यही था कि जो हमारे दिवंगत आत्मा है जो हमारे बीच में जी रहे हैं उन सबको श्रद्धांजलि दी। उसके बाद जो चले गए हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया, एक सरकारी नौकरी, जो घायल हैं उनको 50,00,000 रुपये वो भी दिए जाने का बात है। इसी बात सबसे प्रमुख ये था पंचायत का निर्णय ये भी है कि नौ जिले की, देखिए जब वो जिले बनाया जाता है तो जनता की मांग होती है, तो सरकार जहाँ मांग करे तो वहाँ बना दे, और जहाँ सर मांग ये करे जनता की तोड़ दो तो तोड़ देना चाहिए। लोगों की मांग है, आपकी मांग है कि नौ जिले को तोड़ दिया जाए। हाँ ये पंचायत का फैसला है, और इसको किस किस में शामिल किया जाए? नहीं ये बात का विषय है, जो हमारी पंचायत का निर्णय वो है उसको तोड़ दो। एक बार बता दें।